दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज बनाते हैं चीज मसाला मैक्रोनी। आजकल बच्चे बड़े सभी को मैक्रोनी बहुत ही पसंद आ रहा है, तो आइए बनाते हैं चीज मसाला मैक्रोनी इंडियन स्टाइल में। इसे आप नाश्ते में बनाएं या बच्चों को लंच में पैक करके दें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही लाइट होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और जल्दी बन भी जाता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में सफिशिएंट पानी गरम करेंगे। अब हम फ्लेम हाई कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। जब पानी बॉईल होने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप मैक्रोनी। अब हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे जब तक कि मैक्रोनी सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मैक्रोनी हमारी पैन के बॉटम में ना चिपके। ये देखिए मैक्रोनी सॉफ्ट हो गई है। जैसे ही मैक्रोनी सॉफ्ट हो जाए हम इसके पानी को अलग कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा ठंडा पानी ताकि मैक्रोनी हमारी आपस में चिपके नहीं और इसका कुकिंग प्रोसेस भी स्टॉप हो जाए। अब हम लेंगे 3 मीडियम साइज के टोमेटो। टोमेटो का जो ऊपर का हार्ड पोर्शन है उसे हम काट कर निकाल देंगे। इस तरह से टोमेटो का हार्ड पोर्शन निकाल दिया है मैंने। अब हम इन टोमेटो को 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। टोमेटो को हमें 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। ये देखिए टोमेटो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें पैन से निकाल लेंगे। हम इनका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से टोमेटोज का छिलका निकल जाता है। इस तरह से हम छिलका इसका निकाल कर और टोमेटोज को रफली चॉप कर लेंगे। टोमेटो के पीसेस को हम ब्लेंडर में डालकर इस तरह से प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए प्यूरी हमारी रेडी है। वेजिटेबल्स के लिए हम लेंगे 1 मीडियम साइज का ऑनियन चॉप किया हुआ, 1 मीडियम साइज का कैप्सिकम चॉप किया हुआ और 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स फाइनली चॉप किए हुए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें डाल देंगे गार्लिक के क्लोव जो हमने फाइनली चॉप किए थे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए ऑनियंस। ऑनियंस की थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए ऑनियन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसी तरह हम मीडियम फ्लेम पर टोमेटो को कुक करेंगे जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट ना होने लग जाए। ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए कैप्सिकम और इसे भी कुछ मिनट्स के लिए हम कुक करेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून पास्ता सीजनिंग जिसमें ओरिगेनो, बेसिल और थाइम ये सभी चीज़ें रहती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टोमेटो केचप डालने से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है मसालों का। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट की हुई चीज़। मैंने यहाँ अमूल की प्रोसेस चीज़ यूज़ की है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। मैंने इसमें 2 क्यूब्स चीज़ के ग्रेट करके डाले हैं। आप चाहें तो अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा चीज़ भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मसाला हमारा रेडी है। चीज़ भी अच्छे से मिक्स हो गया है मसालों में। इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे बॉइल्ड हुई मैक्रोनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ ताकि मसाले मैक्रोनी के चारों तरफ अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए हमारी चीज़ मसाला मैक्रोनी बनकर रेडी है। बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। इसे हम गर्मा गर्म बॉल में सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट मैक्रोनी बनकर रेडी हुई है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी। आप ये ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को सरप्राइज करें। इसे हम गार्निश कर देंगे पास्ता सीजनिंग से और चिली फ्लेक्स से। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं ग्रीन कोरिएंडर लीव से।
तो दोस्तों बनकर रेडी है हमारी चीज मसाला मैक्रोनी, तो अभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है, तो ज़रूर बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी एक ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय कुकिंग।